प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है उसको हल कर रहे हैं। आपकी एग्जाम कौन करवाता है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन आपकी एग्जाम का नाम है। तो आपके एग्जाम का नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, ये आपकी परीक्षा का नाम है। कक्षा 5 का ये मॉडल पेपर हम हल करेंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका समय कितना होगा? 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। अब पेपर कितने का होगा? 80 नंबर का होगा, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पहले आपको पढ़ना है, पढ़कर समझना है, फिर लिखना है। और लिखना किस में है? गद्दे में। अंक भार कितना होगा? 22 नंबर का होगा। तो पहले आपको पढ़ना है, पढ़कर समझना है और फिर लिखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों किसको बोलते हैं? जो अ ब स द होते हैं, जैसे अ है, ब है, स है, चार ऑप्शन हैं आपके सामने और इसी में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बालक का सौपन पाठ के आधार पर, आपके पाठ है ये बालक का सौपन, और इस पाठ के आधार पे आपको बताना है कि लड़के के सौपन की बात बताई, लड़के ने जो अपना सौपन था उसको रात को सौपन आया और उस सौपन की बात किसको बताई उसने? क्या जमींदार को बताई, या सेठ को बताई, या पिता को बताई, या किसी को नहीं बताई? तो उत्तर अपना पाठ के आधार पे क्या है? किसी को नहीं बताई। द ऑप्शन अपन यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछा जाएगा, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन, हराना, हराने के नीचे क्या है? रेखा खींची हुई है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। ये जो रेखा खींची हुई है हराना शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है कि पराजित करना, आज़ाद करना, या जीतना, या सम्मान करना। तो हराने का मतलब होता है पराजित करना किसी को, तो ए ऑप्शन अपन यहाँ भर देंगे। भारतीय स्त्रियों के गुण है, गुण आपको सिलेक्ट करना है। लज्जा, जिस शर्म जिसको बोलते हैं, विनम्रता बिल्कुल होती है, ममता भी होती है लड़कियों में, तो उपयुक्त सभी, तो द ऑप्शन हम भर देंगे, उत्तर द के रूप में भर देंगे यहाँ। जैसलमेर नगरी कहते हैं, जैसलमेर नगरी को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं, या जंगलों की नगरी कहते हैं, या हवेलियों की नगरी कहते हैं, या नदियों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर में कई हवेलियां बनी हुई हैं, जिसमें सालिम सिंह की हवेली, ये हवेली, वो हवेली, आपने पढ़ा होगा। तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं, तो सह ऑप्शन हम यहाँ भर देंगे। पन्ना धाई का पुत्र था, उसका नाम क्या था? पन्ना धाई के पुत्र का नाम क्या? उदय था, चंदन था, या विक्रम था, या बनवीर था? ये अपने बुक में, पाठ्य पुस्तक में ये चैप्टर है और उसके आधार पे पूछा गया है कि पन्ना धाई के पुत्र का, पन्ना धाई का त्याग आपने पढ़ा होगा कि उसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया था। ये कहानी है पन्ना धाई के त्याग की। तो इसमें ऑप्शन अपना क्या होगा? चंदन। वह ऑप्शन वह को यहाँ भर देंगे अपन। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वो है लिखने वाला, मेहनत की कमाई। आप अपने पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है मेहनत की कमाई, और उसके आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? हमेशा लड़का चवन्नी को कुएं में फेंक देता था, लेकिन अंतिम दिन क्यों नहीं फेंकी? उसको ऐसा कौन सा एहसास हुआ? और जब हम इसका उत्तर दे देंगे सही सही, तो हमें मिल जाएंगे 3 नंबर। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, लिखेंगे बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई, खुद की कमाई थी। ये जो अंतिम दिन वो कमा के लाया था, वो खुद कमा के लाया था, इसलिए कमाने के लिए उसे अपने कठोर परिश्रम का करना पड़ा था, और अब उसे परिश्रम का जो महत्व था, मेहनत का जो महत्व था, वो पता चल गया था, इसलिए उसने अंतिम दिन चवन्नी को कुएं में नहीं फेंका। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न में भी हमें उत्तर लिखने पे 3 नंबर मिलेंगे। स्वस्थ रहने के लिए
क्या क्या करना चाहिए, कोई 3 सुझाव देने हैं आपको, हम स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, सफाई रखनी चाहिए शरीर की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक भोजन करेंगे, बासी भोजन हम नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, बिल्कुल प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कबड्डी के खेल के बारे में पूछा गया, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं वो विकसित होते हैं, कोई 3 गुण लिखने, और ये उत्तर लिखने पे भी 3 मार्क्स मिलेंगे। पहला गुण कौन सा होगा, नेतृत्व करने की क्षमता, अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। परस्पर सहयोग की भावना, मिलजुल कर एक होकर अगर कबड्डी खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, बिल्कुल। सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, अगर सामाजिकता का गुण हमारे अंदर है तो भी हम कबड्डी जैसे मैच को बेहतर बना सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है, ये जो गद्यांश है ये आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और फिर जो प्रश्न है ये प्रश्न है इनका उत्तर देना है। और ये उत्तर कितने, 3 आपने 4 प्रश्न होंगे, इसमें से पर प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। दो भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनाकर ले आए, क्या बना के ले आए, भोजन। महात्मा गांधी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, तत्पश्चात उन्होंने भोजन को 3 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, 3 भागों। इस प्रकार पढ़ते हुए हमें अंडरलाइन करते जाना है ताकि हम उत्तर को जल्दी सेलेक्ट कर सकें। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि लगभग 2 घंटे लग गए, बातचीत की और भोजन किया तो उसमें कितने घंटे लग गए, 2 घंटे। महात्मा गांधी जी इन समस्त कार्यवाही को उद्देश्य केवल ये था कि दोनों को क्रोध कुछ कम हो जाए, दोनों के बीच जो तनाव था वो कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हो गए यानी भोजन कर लिया तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा गांधी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे, ऊपर पढ़ा हमने, भोजन लेके आए थे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भोजन कितने भागों में बांटा, ये भी हमने पढ़ लिया, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। महात्मा गांधी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था, ये भी हमने पढ़ा है अभी, क्या उद्देश्य था, कि उनका क्रोध है वो कम हो जाए, ये लाइन है, ये उत्तर है, इसी लाइन को लिखना है। भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव था, तो वो दोनों भोजन करने के बाद दोनों क्या थे, शांत थे, काफ़ी शांत थे, ये लाइन उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है वो कौन सा है, तो भारत का है तो भारत ही है बढ़कर। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है, ये जो रिक्त स्थान है ये इनमें इनमें से लिखना है, ये जो दिए हुए आगे इनमें से एक ऑप्शन लिखना है, 2 ऑप्शन है ओब्लिक के रूप में। यह धरती जो अपनी हमें जान से प्यारी है, कौन सी धरती है, धरती माँ, धरती को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, मास भरेंगे। बोलो बोलो नाटक है या मेहनत है, खूब करें कठिन परीक्षा आई, क्या क्या करें, मेहनत करें, बोलो मेहनत खूब करेंगे और कठिन परीक्षा आई, माँ का दूध पिया जो सौगंध या सौगात क्या होगी, तो माँ के दूध की सौगंध ली जाती है तो सौगंध आ जाएगा, इसमें भर देंगे सौगंध। अब बहुत ही सरल प्रश्न है अपना, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए, समानार्थी का मतलब होता है समान शब्द, उल्सना, उल्सना का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना, इससे मिला देंगे।
गाथा का मतलब क्या होता है? गाथा का मतलब होता है कहानी, और कहानी कहाँ पे है? ये खुशबू, खुशबू का अर्थ क्या होता है? सुगंध होती है, तो खुशबू को किससे मिला देंगे? सुगंध से मिला देंगे। वीर का मतलब क्या होता है? बहादुर, तो बहादुर कहाँ पे है? बहादुर से मिला देंगे। मल्हार क्या होता है? वर्षा ऋतु में जो एक गीत गाया जाता है, गाना गाया जाता है, उसे कहा जाता है मल्हार। अब रस वर्ग है, रस धार किसको कहते हैं? रस की धार को कहते हैं। अब इसको आपको खंड ऐसे खंड वै को मिलाते हुए इस प्रकार से आप बना देंगे, लिख देंगे, तो एक शानदार मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे। कितने मार्क्स प्राप्त करेंगे? देखो यहाँ 6 नंबर, 6 है, पर क्वेश्चन को सही करेंगे तो 6 मार्क्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। 11 का प्रश्न है, 13 का प्रश्न है कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए, 3 मार्क्स मिलेंगे सही उत्तर करते ही। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का समय परमार्थ अथवा दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन जो व्यक्ति होता है वो संपत्ति का अपने लिए, परमार्थ के लिए, और दूसरों की, परमार्थ का मतलब दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, ये होंगे 13 नंबर के। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, तो आकाश का उल्टा तो क्या होता है? पाताल होता है, लेकिन पर्यायवाची समानार्थक, उसके समान पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, सीखने भी हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूरज नहीं होगा, नीर भी नहीं होगा, गगन होगा, धरा नहीं होगा, धरा धरती का होता है, तो सह ऑप्शन हम यहाँ लिख देंगे। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरे क्या हैं? 4 चांद लगाना, तो मुहावरे 4 चांद का मतलब होता है शोभा बढ़ा देना, मुंह में पानी आना, मन ललचाना, फूले न समाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तब यहाँ इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। 4 चांद लगाना का मतलब है कि 26 जनवरी को आर्यन ने देशभक्ति गीत गाकर आयोजन हो रहा था, उसमें 4 चांद लगा दिए। दूसरा है मुंह में पानी आना, हलवाई को गरम गरम जलेबी बनाते हुए देखकर मोहन सोहन राम किसी को भी कह सकते हैं, सृष्टि के मुंह में पानी आ गया, तो आप सरल शब्द भी ले सकते हैं, सरल नाम ले सकते हैं, राम के मुंह में, मोहन के मुंह में पानी आ गया। फूले न समाना वाक्य का प्रयोग है कि गुप्ता जी बेटे की नौकरी का समाचार सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग यानी ये जो शब्द हैं सुंदर, सच्चा और गहरा, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करना है, 3 मार्क्स मिलेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सुंदर का मतलब हमने सुबह का सुंदर दृश्य देखा। दूसरा सच्चे के लिए क्या कर देंगे कि जो सच्चा मित्र है वो वरदान के समान होता है। गहरा का मतलब बगीचे में गहरा कुआ था। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बताने हैं आपको। विपरीत शब्द का मतलब विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। रात का दिन हो जाएगा, बिल्कुल। कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। सच का झूठ हो जाएगा, और ये 3 नंबर मिलेंगे। फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर नए शब्द बनाने। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। अब आपके सामने है सर्जनात्मक अभिव्यक्ति वाले प्रश्न, और ये कितने मार्क्स के होंगे? 24 मार्क्स के। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको कहानी लिखनी है। शेर और खरगोश की लिख सकते हैं आप, बंदर और मगरमच्छ की लिख सकते हैं, किसान और उसके 4 बेटे उसकी लिख सकते हैं, और कहानी कितने नंबर की है? 6 नंबर की। जंगल में क्या रहता था? एक शेर रहता था। प्रतिदिन भूख लगने पर वह जंगल में जानवरों को मारकर खा जाता था। सब जानवर परेशान थे, वे सब मिलकर एक खरगोश के पास जाते हैं, और खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उनको लगा कि खरगोश हमें बचा लेंगे, बुद्धिमान है, तो खरगोश शेर के पास गया और उसने बोला, महाराज आप इस जंगल में के राजा हैं, परंतु एक दूसरा जो शेर है वो भी जंगल में आ गया है। तो उसने
जो कि अपने आप को क्या बताता है, जंगल का राजा बता रहा है। ये सुनकर शेर दहाड़ा और दहाड़ते हुए बोला, मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे मार दूंगा और फिर मैं खुद ही राजा रहूंगा। शेर को खरगोश कुएं के पास ले गया। कहाँ पे ले गया? कुएं के पास। और कुएं में जो शेर है वो अपना दृश्य को देखता है तो खुद एक शेर और दिखाई देता है उसे उससे पता चलता है कि हाँ जरूर शेर है। और कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी और परछाई को दूसरा शेर समझकर वो दहाड़ते हुए कुएं में छलांग लगा देता है। इस प्रकार से सभी जीव हैं जंगल के वो शेर के शिकार होने से बच जाते हैं। ये अपनी कहानी थी। अब नेक्स्ट है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के आप रोहित लड़का हैं तो रोहित हैं और लड़की हैं तो मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पे जाना चाहते हैं और इसे तो अपने प्रधानाध्यापक जी को, किसको? प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन का क्या लिखना है? अवकाश लिखना है। तो उत्तर हम कैसे देंगे सेवा में? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम क्या है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़। विषय क्या है? उदयपुर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र। फिर हम संबोधित करेंगे महोदय के संबोधन से। फिर विनम्र निवेदन है कि उदयपुर भ्रमण के लिए हम जाना चाहते हैं और हमारे साथ हमारे माता पिता जा रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें 3 दिन का अवकाश, डेट वाइज जिस दिनांक को अपनी एग्ज़ाम है उससे 2 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लें, 3 दिन बना दें और लिख दें तो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। लास्ट में आपको डेट लिखनी है, धन्यवाद देना है, आज्ञाकारी शिष्य बताना है, लड़की है तो मेघा और लड़का है तो रोहित। अब हमारे सामने 6 मार्क्स की होगी वर्ग पहेली। क्या होगी? वर्ग पहेली। और इस प्रकार से अक्षर दिए हुए होंगे ये अक्षर, और इन अक्षरों से हमें क्या बनाने हैं? कोई फल के, कोई फ्रूट के नाम बनाने। एक फल का नाम बनाना सबसे पहले। तो अब देखो आप, फल क्या होता है? अंगूर होता है, और अंगूर के लिए अंगूर है, ये बन गए तीनों, इनसे ही बन गए अंगूर बन गए। फिर आपके सामने है रहट, कुएं से पानी निकालने का जो साधन होता है उसको क्या कहते हैं? रहट कहते हैं। अब ये जो 3 शब्द हैं रहट, ये हो गए रहट बन गए। राजा का निवास स्थान क्या कहलाता है? महल कहलाता है। अब महल कहाँ बन रहा है? देखो ये महल बन गया। एक सब्जी के नाम के लिए आपको मटर, ऐसे जैसे पीछे फल सेलेक्ट किया वैसे आप मटर भी सिलेक्ट कर लेंगे। लेखनी लिखने का जो साधन होता है उसे कहते हैं कलम, और कलम को भी सिलेक्ट कर लेंगे। एक व्यक्ति का नाम जिसमें रतन बन रहा है उसको कर लेंगे हम। रतन कहाँ बन रहा है देख लें आप, ये बन रहा है रतन। मटर कहाँ बन रहा है? ये मटर बन रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, या तो हमारा विद्यालय भी लिख लें, मेरा आदर्श गांव लिख लें, या मेरा परिवार लिख लें। तो हमारा विद्यालय पे आप निबंध लिखेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो मेरे विद्यालय में का नाम है वो लिखना है सबसे पहले, विद्यालय का नाम क्या है। फिर आपको विद्यालय में कितने, विद्यालय कहाँ स्थित है, तो सड़क मेन जो सड़क है वहाँ पे स्थित है, या गांव के बीच में स्थित है, या गांव के बाहर स्थित है, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें प्रधानाध्यापक जी का एक कार्यालय है, ऑफिस है, फिर स्टाफ रूम है, फिर और कितने रूम हैं, उसमें कितनी कक्षाएं लगती हैं, उसमें खेल मैदान है या नहीं है, उसमें हैडपम्प है या नहीं है, पानी का क्या स्रोत है, टाँका है, हैडपम्प है, या किस प्रकार का स्रोत है। फिर वो जो अपने खेल की जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, अनुशासन कैसा है। तो अनुशासन विद्यालय का बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप भी लिखेंगे कि अनुशासन बहुत अच्छा है, सभी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं और सभी गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से आप निबंध को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी 8 मार्क्स का, और ये सजगता से संबंधित है, परिवेश के प्रति हम कैसे सजग रहें उससे संबंधित प्रश्न है। तो अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगे?
तो क्या आपके विद्यालय में पुस्तकालय है? और है तो उसको आकर्षक कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? पुस्तकालय मतलब जहाँ पढ़ने की पुस्तकें रखी जाती हैं। हर विद्यालय में एक पुस्तकालय रूम होता है, तो उसके लिए विद्यालय में पुस्तकालय में स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित तरीके से हम उपाय करेंगे। तो पुस्तकों को संभाल कर रखेंगे ताकि लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सके, और पुस्तकालय में सख्त अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखेंगे। सेलफोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। धूम्रपान करना खान आदि के लिए भी हम उसको यूज नहीं करेंगे, यानी निषेध रखेंगे, यानी यूज नहीं करेंगे। दस्तावेज या अपनों कोई भी निशान नहीं बनाएंगे, जो भी अपनी बुक है उन पे कोई ऐसे वैसे निशान नहीं बनाएंगे। पुस्तकों को सही क्रम में रैंक में रखेंगे और एक दो पॉइंट और बना देंगे। सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और इससे आपको मिलेंगे चार नंबर। तो दुपहिया वाहन जैसे बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल, साइकिल, इनको चलाते समय कौन सी सावधानी रखेंगे? तो हमेशा हेलमेट का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही। मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, और जो साइड मिरर होता है उसकी पोजीशन है वो सही रखेंगे, ताकि पीछे चलने वाले जो साधन है, वाहन है, वो आसानी से दिखाई दे सके। आगे के वाहन उससे सुरक्षित दूरी बना के रखेंगे। बाईं ओर से ओवरटेक नहीं करेंगे। इन नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित सड़क पर चल सकेंगे और दुपहिया वाहनों से सुरक्षित घर पर पहुँच जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना हिंदी का मॉडल पेपर हमने हल किया है। इसको दो बार पढ़ लें, तीन बार पढ़ लें। एक बार में नहीं समझ में आए तो अभ्यास करें। ये प्रश्न इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि आपके सामने एग्जाम में होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अपना दूसरा मॉडल पेपर है उसके साथ। तब तक थैंक्स, ऑल दी बेस्ट। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर नागरिक बने, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।